हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की ख़रीदारी करने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या खरीद के लाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं की है, बस ऐसे ही क्राफ्ट वगैरह के वीडियोस चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज जो शॉपिंग करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे तरीके से और चलते हैं आज शॉपिंग करने के लिए। तो धनतेरस के दिन बर्तन वगैरह शुभ माने जाते हैं, तो क्या क्या खरीदते हैं उस हिसाब से जाकर ही पता चलेगा वो तो कि क्या क्या खरीदेंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, मास्क लगा के तैयार हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं आप? दिवाली परसों के दिन है तो हम पटाखे फोड़ेंगे, तो हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा अगर आप फोड़ेंगे तो। चलिए अब आपसे बाद में बात करते हैं, जाते हैं हम लोग मार्केट में। बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे मार्केट से आकर। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं बर्तन की दुकान में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या खरीदते हैं। तो आप बर्तन की दुकान देखिए और मैं खरीदारी कर लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो कल धनतेरस के दिन मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था उसका एंड नहीं किया था मैंने, तो कल आते आते बहुत लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब बर्तन में सारा दिखा दूंगी क्या क्या खरीद के लाई हूँ, उसी हिसाब से फिर अपनी वीडियो का एंड कर दूंगी। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी छोटी दिवाली। तो मैं क्या क्या खरीद के लाई थी, ज़्यादा कुछ तो मैं खरीद के लाई नहीं, कुछ बर्तन वगैरह खरीद के लाई थी, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि इस टाइम में इतनी भीड़ थी ना दुकान में कि लेना मुश्किल हो रहा था, बात करना तक भी मुश्किल हो रहा था। तो थोड़ा बहुत ही लाई हूँ ताकि अपने नियमों के हिसाब से, और बोलते हैं ना धनतेरस पे बर्तन वगैरह या झाड़ू या फिर झाड़ू सफाई से जो मिलता जुलता सामान है वो खरीदते हैं। तो मैंने झाड़ू भी ख़रीदा है और पैदान वगैरह ख़रीदे हैं, और इसके बाद बर्तन भी मेरे को थोड़ा बहुत जितना पसंद आया उतना मैंने ख़रीदा है। क्योंकि बस वो हमें एक रस्म के तौर पे, एक मुहूर्त के तौर पे ख़रीदना होता है कि शुभ मानते हैं इसीलिए। तो बाकी तो वैसे शॉपिंग करते ही रहते हैं, और इस टाइम में क्या ख़रीदना, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट जब भी मैं बर्तन ख़रीद के लाती हूँ ना, तो बहुत मन को सुकून मिलता है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ कभी और बर्तन ख़रीद के लाती हूँ ना, तो अंदर से एकदम से खुशी होती है कि आज बर्तन ख़रीद लिया तो मानो पूरा बाज़ार जो है पूरा हो गया है। तो मेरी तरह खुशी किस किस को होती है बर्तन ख़रीदने के बाद, खास करके ऐसा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि मेरी किचन में ये बर्तन होगा। यही तो हमारी सबसे अच्छी सोच होती है कि हम लोग जब भी जाते हैं, तो मेरे को जब भी बर्तन की दुकान में जाती हूँ ना, चाहे कुछ लेना हो या ना लेना हो, अगर चले गए बर्तन की दुकान में या फिर कहीं गए हम लोग घूमने और अच्छा बर्तन दिखा ना, तो मैं पक्का थोड़ा बहुत तो ख़रीदती हूँ। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, बर्तन कपड़ा ले लो बस, बाकी और सारा तो बेकार है, तुम लोगों के सामने कितना भी भरा पड़ा हो बट तुम लोगों को बर्तन चाहिए, पता नहीं क्या करोगी बर्तन का। तो आप लोग भी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बर्तन ख़रीदने के बाद किस किस को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या ख़रीदती हूँ। पहले मैं इसको लगा देती हूँ मोबाइल को। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से ख़रीदे हुए हैं,
और ये कुछ इस तरीके से है, और ये ढक्कन वाला है इसमें। तो ये सर्व करने के लिए, जैसे चावल के लिए मैंने ये खरीद लिया, और दाल के लिए मैंने ये खरीद लिया, तीन खरीदे हैं मैंने ये। तो ये मैंने चावल के लिए खरीदा, ये दाल के लिए, और जैसे कि हम सूखी सब्जी वगैरह बनाते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैंने ये तीन खरीदे हैं। और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से है इसका, और इस पर ये पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है, और ये देखिए देखने में भी बहुत अच्छा है, और ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो इसलिए मैंने इनको ख़रीद लिया, क्योंकि मेरे पास ये नहीं थे, यूज़ में बहुत ज़्यादा आने वाली चीज़ है, क्योंकि गेस्ट तो हमारे घर में आते ही रहते हैं, इसलिए मैंने ये ख़रीद लिए हैं। और इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये है ना, इस तरीके से बंद करने पर एक बन जाता है, देखिए। तो इस तरीके से हमें अगर कहीं और जाना है, शिफ्टिंग वगैरह हम लोग करते रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारी ये बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है रखने में, और जगह भी कम घेरता है। और जैसे कि हम कबर्ड में भी अगर इसको रखना चाहें तो आराम से तीन का एक करके रख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सेकेंड वाला बर्तन, वो है ये कटोरियाँ। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा इनका डिज़ाइन है, और आजकल ये न्यू डिज़ाइन में आई हुई है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने ना 12 खरीदी हुई हैं, क्योंकि मैं जो भी खरीदती हूँ ना, तो 12 का सेट ही खरीदती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये 12 खरीदी हुई हैं, और इनका स्टील भी बहुत मजबूत है, और बहुत भारी भी है ये। तो देखिए ये एक खीर या सब्जी वगैरह देने के लिए बहुत अच्छी है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने इनको 12 खरीद लिया, क्योंकि 12 थाली मेरे पास हैं ऑलरेडी। तो कभी कभी ज़्यादा गेस्ट आ जाएं तो ये बहुत अच्छी होती हैं। और इसके बाद मैंने ख़रीदा हुआ है ये, तो ये मैंने जो दिए जो हम दिवाली पर लगाते हैं ना, तो उसमें ऑयल डालने के लिए ख़रीदा हुआ है, और इसमें देखिए ये कैप आया हुआ है इस तरीके से, और खोलने पर थोड़ा सा टाइट वाला मैंने लिया है। तो देखिए इस तरीके से है, ये छोटा सा जग है, बहुत ही सुंदर है देखने में, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि जब हम लोग दिए में ऑयल डालते हैं ना भगवान के पास में, तो बहुत ज़्यादा गिरने का डर होता है, और मेरा बेटा लगाता है शाम के टाइम दिया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं गिरा ना दे शीशी में से ऑयल। तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया, इसको भर के मैं जब रख दिया करूँगी ना, तो आराम से इस तरीके से हम जो है ऑयल जो है उसमें दिए में आराम से डाल पाएंगे। तो ये मैंने इसीलिए ख़रीदा है। और इसके बाद मैंने ख़रीदा है ये फराग, ये बड़ा वाला जो थाली है ये, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा है इसका साइज़, क्योंकि मेरे पास जब भी गेस्ट वगैरह आते थे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे को, क्योंकि मेरे पास छोटा थाली है जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ अपना। तो मैंने ये बड़ा थाली इसलिए ख़रीद लिया, क्योंकि हम लोग मठरी वगैरह ये नमकीन वगैरह बनाते हैं ना ज़्यादा, तो ये ठंडा करने के लिए, और ये तो काम में आने वाली चीज़ है, हमेशा ही घर में होना ही चाहिए, तो इसलिए ये मैंने ख़रीद लिया है। और इसके बाद मैंने एक झाड़ू भी ख़रीदा था, क्योंकि धनतेरस के दिन जो है झाड़ू वगैरह ख़रीदते हैं। और इसके बाद मैंने ये तीन पैदान ख़रीदे हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन इनको भी ख़रीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो बस मेरी धनतेरस की यही थी शॉपिंग। तो देखिए मैंने आपको अपने जो है बर्तन वगैरह ख़रीद के मैं लाई थी, वो मैंने आपको दिखा दिए, और लाई तो बहुत सारा सामान थी ख़रीद के, बट सारा कुछ क्या क्या दिखाऊंगी, रंगोली के रंग, फूल माला, और लाइटिंग, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा सामान मैंने कल ख़रीदा था, बट मेरे को बर्तन ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन ही सबसे ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बर्तन ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और दिवाली में तो वैसे भी कितना सामान डेली जाते हैं, तो डेली ख़रीद करके लाते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि हमारी जो फैमिली है और थोड़ी बड़ी हो पाए, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसको और बढ़ा पाऊँ, ताकि आप लोगों की हेल्प और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तभी मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ और कर पाऊँगी। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाएं, और सबको हैप्पी दिवाली पहले से ही। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए बातचीत तो कभी ख़त्म नहीं होगी, और आज छोटी दिवाली है जैसे कि, तो इसीलिए आज थोड़ी सी तैयारियाँ वगैरह भी करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।